29 जून को 17 साल का एक इंतजार खत्म हुआ। इंतजार फिर से T20 वर्ल्ड कप चैंपियन कहलाने का, दुनिया को यह बताने का इंतजार कि हमारी टीम सिर्फ रैंकिंग या द्विपक्षीय सीरीज ही नहीं, ICC की ट्रॉफी भी जीत सकती है। जीती तो पहले भी है, लेकिन अब आदत छूट गई थी क्योंकि 11 साल हो गए थे कोई ICC की ट्रॉफी उठाए हुए। इस 17 साल के इंतजार में टीम इंडिया के फैंस को दो आदत पड़ी, उन्हें दो हीरो मिले। और कमाल ये देखिए कि जब घर में ट्रॉफी आई तो ये हीरो चले गए। वर्ल्ड कप जीतने की खुशी के बीच फैंस की झोली में गम भी आए। विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल से विदाई ले चुके हैं, उनके साथ रविंद्र जडेजा भी इस फॉर्मेट को अलविदा कह गए हैं। यानी वर्ल्ड कप जीत के अगले ही दिन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से सीधा 3 खिलाड़ी गायब हो गए, और वो भी ऐसे खिलाड़ी जिनके इर्द गिर्द ही पूरी टीम बनती है। लेकिन वर्ल्ड कप जीत के जुनून से आंखें खुलेंगी तो आपको टेंशन भी होगी, क्योंकि टीम इंडिया जब अपना अगला मैच खेल रही होगी तो ये तीनों ही इस टीम में नहीं होंगे। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? ये तीनों नहीं होंगे तो टीम इंडिया कैसे संभलेगी? रोहित शर्मा नहीं होंगे तो टीम इंडिया की कप्तानी कौन कर रहा होगा? एक एक करके कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 में ओपनिंग नहीं करेंगे तो ओपनर कौन होगा? ये ऐसा सवाल है जिसके जवाब में कई बल्लेबाज खड़े हो जाएंगे। आपके पास पहला ऑप्शन यशस्वी जायसवाल का है, लेकिन दूसरा ओपनर कौन होगा? क्या शुभमन गिल को T20 में परमानेंट ओपनर बनाया जाएगा, या फिर जायसवाल के साथ पृथ्वी शो को ओपनिंग के लिए लाया जाएगा? रोहित कोहली होते थे तो आपको ये टेंशन नहीं रखनी होती थी, लेकिन अब शुभमन और पृथ्वी से लेकर ऋतुराज गायकवाड़ तक का ऑप्शन आपके सामने है, जो ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट विराट कोहली से जुड़ा है। विराट कोहली भले ही वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन वैसे तो वो नंबर 3 पर ही खेलते हैं। विराट कोहली से आपको कुछ उम्मीदें बंधी रहती थी। आप भले ही T20 में उनके बुरे स्ट्राइक रेट की आलोचना करते रहे हो, लेकिन जब जब टीम इंडिया फंसती तब तब विराट कोहली की एंकर इनिंग आपको बचाती थी। फिर चाहे वो 2022 का पाकिस्तान वाला मैच हो या फिर 2024 का अफ्रीका के खिलाफ का फाइनल, कोहली ने आपको हर जगह बचाया है, लेकिन अब आपको कौन बचाएगा? तीसरा और सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि आपका कप्तान कौन होगा? विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने टीम को संभाला। रोहित शर्मा कप्तानी में एक क्लेवर और एक फ्लेवर लेकर आए, उसका नतीजा भी मिला। भले ही 2022 का वर्ल्ड कप मिस हुआ, लेकिन बीच में वनडे वर्ल्ड कप और अब T20 वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी ने कमाल किया। इन दो ICC इवेंट में हम सिर्फ एक मैच हारे और वो 19 नवंबर वाला फाइनल ही था। कप्तानी कौन करेगा ये तो सवाल है, और सबसे बड़ी अब टेंशन भी यही बन चुका है। यहाँ पर भी क्योंकि आपके पास खूब सारे ऑप्शन हैं, अब उप कप्तानी के हिसाब से जाएंगे तो हार्दिक पांड्या T20 में आपके नए कप्तान हो सकते हैं, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती क्योंकि टीम इंडिया का निजाम भी अब थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच हो सकते हैं। ऐसे में नए कोच और नए सिलेक्टर्स का क्या प्लान होगा, और क्या वो तय करेंगे कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे या नहीं, ये एक सवाल होगा। क्या हार्दिक पांड्या ही कप्तान होंगे या फिर ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसी चॉइस भी अपनाई जाएंगी, क्योंकि हार्दिक से पहले तो ये लोग भी T20 में टीम इंडिया की कप्तानी कर ही चुके हैं, और अब तो शुभमन गिल को भी जिम्बाब्वे सीरीज के लिए कप्तान बना दिया गया है। ऐसे में एक ऑप्शन आपके पास और आ जाता है। BCCI जो भी करे उसे ये जरूर ध्यान रखना होगा कि 2024 के वर्ल्ड कप खत्म होते ही 2026 के T20 वर्ल्ड कप की लड़ाई शुरू हो गई है। इन दो साल में टीम इंडिया करीब 44 T20 मैच खेलेगी। यहाँ आपको टीम भी तैयार करनी है और अपना विजन भी। आप वर्ल्ड कप जीते हैं, इसका जश्न मनाइए और जी भरकर मनाइए, लेकिन भविष्य की लड़ाई अभी भी बहुत बड़ी है, इसका ध्यान भी जरूर रखिए। नवाज देवबंदी का एक शेर है कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।